हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो अपने यूट्यूब अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए, मतलब आपको अपने वीडियोस को प्रोफेशनल एडिटिंग करने के लिए या फिर अपने वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको सबसे पहले वीडियोस मतलब कि वीडियो फुटेज का जरूरत पड़ता है, दूसरा आपको फोटोज का जरूरत पड़ता है, तीसरा आपको म्यूजिक का जरूरत पड़ता है जो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक में होता है, जो आपके वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक में होता है। तो इन सारे चीज़ को अगर आपके पास रहता है और वो चीज़ इन सारे चीज़ को आप ऐड करते हो अपने वीडियोस में, तो आपका वीडियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा आपका वीडियो जो होता है हाई क्वालिटी में हो जाता है। आप भले ही छोटा कैमरा से या फिर मोबाइल के किसी कैमरा से आप अच्छे शूट कर रहे हो और अच्छी तरीके से अगर आप एडिट कर रहे हो उसी वीडियोज़ को, तो आपका वीडियो ऑटोमेटिक जो होता है वो क्वालिटी में आ जाता है थोड़ा। तो आखिर इन सारे चीज़ को, मतलब कि वीडियोस हो गया, फोटोज़ हो गया और म्यूज़िक हो गया, इन तीनों चीज़ को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, वो भी नॉन कॉपीराइट का, क्योंकि यूट्यूब पे तो है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी म्यूज़िक को हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी वीडियोज़ को हम अपने वीडियोज़ में ऐड नहीं कर सकते, फ़ोटोज़ को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा वेबसाइट बताने वाला हूँ जिससे आपको इन तीनों चीज़ एक ही वेबसाइट पर आपको मिलेगा। ऐसा वेबसाइट है जहां से आप म्यूज़िक भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियोस को भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। यूट्यूब से रिलेटेड इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए अपने अभी मॉल के स्क्रीन पर जाता हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि कैसे वेबसाइट से आपको फ़ोटो, वीडियोज़ और म्यूज़िक डाउनलोड करना है। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं आपको अभी समझा दूँ कि कैसे कौन सा वेबसाइट है जिससे आपको वीडियोस, फोटोज़ और म्यूज़िक तीनों चीज़ आपको फ्री मिलेगा, मतलब कि बिना कॉपीराइट के मिलेगा। आप अपने वीडियोज़ में उसे ऐड करोगे तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है पिक्साबे। आपको टाइप करने के बाद, जैसे पिक्साबे आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ओवरले 2.6 मिलियन प्लस हाई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये आपका ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना म्यूज़िक डालते हैं और अपने वीडियोस फुटेज डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं और कुछ भी कॉपीराइट क्लेम ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो सबसे पहले आप जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरीज आ जाएगा, साइड में क्लिक करेंगे एरो पे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज आ जाएगा। कैटेगरीज आने के बाद यहाँ पे फ़ोटोज़ देख सकते हैं आप। तो फ़ोटोज़ है, इमेज है, फ़ोटोज़ है, वेक्टरियोज़ है, ग्राफिक्स है, वीडियोज़ है, म्यूज़िक है, साउंड इफ़ेक्ट है और भी कई तरह का फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा दूँ म्यूज़िक। म्यूज़िक पे क्लिक करना है। म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद जो भी म्यूज़िक आपको लेना हो, जैसे आपका कोई भी म्यूज़िक है तो वो म्यूज़िक का जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। म्यूज़िक का टाइटल, जैसे म्यूज़िक का टाइटल इमोशनल, ये देखिए इमोशनल, इमोशनल करके आपको यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरीज भी आ जाता है, इमोशनल पैनो, इमोशनल क्लाइमेट और भी कई तरीके का आपको यहाँ पे कैटेगरीज आ जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ इमोशनल ही करना है। तो इमोशनल पर क्लिक जैसे करेंगे आपको तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जो म्यूज़िक है वो आ चुका है आपके पास और भी बहुत सारा म्यूज़िक है। यहाँ पर रीड मोर पर करेंगे तो और भी ज़्यादा म्यूज़िक आ जाएगा। ये देखिए एक म्यूज़िक को मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक आ गया, लेकिन आपको मैं शुरू से बता दूँ कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर कोई म्यूज़िक है, मैं आपको कोई एक म्यूज़िक को प्ले करके सुना देता हूँ। ये देखिए ये म्यूज़िक बजने लगा, 4 मिनट 31 सेकेंड का म्यूज़िक है, ये देख सकते हैं शायद आपको आवाज़ जा रहा होगा। तो इस तरह का म्यूज़िक जो होता है वो म्यूज़िक आपको ले सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो आपको लोगो आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपका डाउनलोड होने लगेगा। ये देख सकते हैं ऊपर में यहाँ मेरा डाउनलोड होने लगा है। यहाँ पर ज़्यादा नहीं MB का होता है, जो आप 8 MB का है, 8 MB 10 MB इसी तरह से होता है आपका। उसके बाद आपको म्यूज़िक इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ़ोटो डाउनलोड करना है किसी चीज़ का, तो जैसे यूट्यूब फ़ोटो है तो यूट्यूब में कर लेता हूँ सर्च। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब इंट्रो, लोगो, आउटर है और सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पे आप बहुत सारा, यहाँ से भी आप
डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि YouTube सब्सक्राइबर्स, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारा जो आपके पास फ़ोटोज़ है वो सब्सक्राइबर के सजेस्टेड में बहुत सारा फ़ोटो आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से किसी भी एक फ़ोटो को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आराम से कर सकते हैं, जो कि आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये PNG में आएगा आपको, ठीक है, ये आपको PNG में आएगा। आप आराम से जाए अपने लोगों में भी, अपने थंबनेल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको अपना साइज़ चूज़ कर लेना है। साइज़ चूज़ करने वाले जैसा भी साइज़ आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद नोट आई एम नोट और रॉबर्ट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो फ़ोटो है वो डाउनलोड पे लग चुका है। ये देखिए ये MB में नहीं होता, कुछ KB में होता है, KB में ही फ़ोटो डाउनलोड होता है, आप लोग को जैसा कि मालूम भी होगा। उसके बाद अगर आपको और भी कुछ डाउनलोड करना है जैसे वीडियोज़ फुटेज तो यहाँ पर आपको वीडियोज़ पर क्लिक कर देना है। वीडियोज़ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से बहुत सारा जो आपका कैटेगरीज आ गया वो आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड भी आप ले सकते हैं, तो लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी ही सर्च करना, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर जितना सारा वीडियो है, कुछ फुटेज जैसे 14 सेकंड 15 सेकंड का होता है वीडियोस जो होता है, जो जैसा कि आपको शॉर्ट्स वीडियो अगर बनाते हैं आप तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और शॉर्ट्स वीडियो कैसे एडिट करते हैं मैंने वो वीडियो बनाया है, जाके आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक दो वीडियो मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखा दूँ। जैसे फ़िलहाल के लिए मैं ये मोबाइल वाला वीडियो जो है 11 सेकंड का, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के लिए सिंपल से यहाँ फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। अगर आपको चला के देखना है कि कैसा है वो, कौन सा वीडियो है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो ऑटोमेटिक आपका वीडियो चलने लगेगा। नेट फास्ट होगा तो चलेगा, मेरा नेट थोड़ा स्लो है इस कारण। तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब MP4 में है और यहाँ पे आपको SD क्वालिटी आप ऑटोमेटिक बन जाएगा, फुल SD क्वालिटी है। आपको ऐसे भी शुरू में आपको देखे थे SD क्वालिटी है, तो यहाँ पे आपको 720 कर लेना है, 720 कर लेना है, या फिर हाँ 1080 कर लेना है। तो 1080 पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा। ये देखिए ऊपर में मेरा डाउनलोड होने लगा, जो कि 5 MB का है। तो इस तरह से आप अपने वीडियोस, फ़ोटोज़ और इमेज कोई भी किसी भी तरीके का, किसी भी म्यूज़िक को आप अपने आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डाउनलोड किया जाता है, और कोई भी स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं आने वाला है। ये बहुत सारे इसी सॉफ्टवेयर इसी वेबसाइट से बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो वीडियोस, फ़ोटोज़ और म्यूज़िक डाउनलोड करके अपने वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर